91% आक्षी हैंड साइड से हैं और जिले में इसकी फोर्थ रैंक है। 20,000 रुपए का ये पारितोषिक इस बिटिया को संस्थापक डॉक्टर जगवीर सिंह जी की ओर से दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया, फ्यूचर भी बहुत अच्छा सोच रही है, तो इसलिए बढ़ेगी आगे। और दूसरे नंबर पर है अंशिका, स्कूल में इसका सेकंड पोजीशन है और बागपत जिले में इसकी 9 रैंक है। बहुत अच्छा। इसकी परसेंटेज है 85.2 और इनको डॉक्टर जगबीर सर ने 10,000 का इनाम दिया है। बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब का विचार था 90 से ऊपर देने का, लेकिन इस बिटिया ने बागपत जिले में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये उनको भी मेरी ओर से दिए जाएं। बहुत अच्छे। हाँ, ये डिबेट में फर्स्ट आती है। हाँ, हमेशा फर्स्ट आती है डिबेट। बहुत अच्छे बेटा, बधाई हो। डॉक्टर साहब, हाँ, जब राजेंद्र ने ये कहा कि वक्ता भी बहुत अच्छी है, हाँ, मेरी ये में 100 रुपए बढ़े थे, मैं अपनी तरफ से 100 रुपए पारितोषिक के रूप में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये भी एक कलाई होती है जो निकल रहा है। और मैं सैल्यूट करती हूँ सोनम के पापा को जो रठौड़े से हैं और गुड़िया का उसमें 3rd पोजीशन आई है, साइंस साइड से है लड़की भी, 83.60। मैं आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने घर में इस बच्ची को इतना अच्छा माहौल दिया और इस बच्ची ने इतनी मेहनत की है। मैं बहुत खुश हुई उस दिन, मैं जाते जाते रिजल्ट आते हुए तुरंत इसके पास गई, इससे रुका नहीं गया। तब की 6:30 उस टाइम हो रही थी शाम की, लेकिन फिर भी मैं इसके पास गई। बहुत बढ़िया। ये कमरुद्दीन जी की पोती है ना? हाँ। वो हमारे जो कमेटी में पहले थे मास्टर कमरुद्दीन जी, उनकी पोती है। बहुत अच्छे। और इनको जो इनाम दिया जा रहा है वो 2100 रुपए का ये इनाम बच्चों को दिया जा रहा है। साथ में मैं घोषणा करती हूँ कि जो बच्चे उसमें हैं अपनी क्लास में फर्स्ट है उनकी स्कॉलरशिप होती है, लेकिन इस टाइम इनको 2100 सभी बच्चों को दिया जा रहा है। ये डॉक्टर साहब की ओर से है, कमेटी और विद्यालय बाद में देगा, वो अलग देगा। और मैं चाहती हूँ कि इसका जो भी एम हो आप वो पूरा करवाएं, हमसे जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। और 4th नंबर पे हैं, इंटरमीडिएट पे चल रहा है रिजल्ट, अंजलि संजीव कुमार बदरखे से, ये गुड़िया आर्ट स्ट्रीम की है और इसने भी बहुत ही अच्छे, क्योंकि आर्ट्स में भी मार्क्स गेन करना बहुत बड़ी बात है, इसके 82.8% सबसे हाईएस्ट मार्क्स, 92। वेरी गुड। बहुत अच्छे। ये जो 11 बच्चे हैं इन सबको पप्पू प्रधान जी की ओर से 100 रुपए सबके लिए आप दे देंगे। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। और इंटरमीडिएट में साइंस आर्ट से है प्रिया सुनील कुमार नांगल से, इस बच्ची के भी 80% आए हैं। इसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि सेटिस्फेक्शन कभी होना भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे BSc करोगे तब और अच्छी मेहनत करना, इससे भी बेस्ट मार्क्स मिलेंगे आप। ठीक है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, इससे कुछ सीखोगे, कहाँ क्या कमी रही उसको कम पूरा कीजिए। ठीक है, अब हाई स्कूल का रिजल्ट है। हाई स्कूल की जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं चाह रही थी कि कम से कम 4 या 5 लड़कियाँ 90+ हो, लेकिन वो नहीं हो पाई। उम्मीद भी थी क्योंकि बच्चे इतने क्रीम थे, क्या कारण रहा वी डोंट नो, कि हमें नहीं पता इस बारे में। और इसमें जो बाजी मारी है जो फर्स्ट टॉपर 10th में है लड़की तनु दून श्री संजीव कुमार कुर्डी से, ये होम साइंस की गुड़िया है, बहुत ही सिंसियर, हमेशा चुपचाप रहने वाली और चुपचाप अपनी स्टडी करने वाली, इसके लिए ज़ोरदार तालियां। और जो इसकी स्कॉलरशिप होगी क्लास में फर्स्ट की, वो अलग से। ओवरऑल में तो होम साइंस की बच्ची फर्स्ट है, लेकिन मैथ में है सृष्टि जो कि वैसे 10th में उसकी 2nd पोजीशन है, और वैसे देखें तो उसकी अपनी क्लास में 1st पोजीशन है। बच्ची ने 85.66 मार्क्स गेन किए हैं और अपनी क्लास में 1st पोजीशन है। जी लगा हुआ। बहुत अच्छे, शाबाश। 3rd पोजीशन पे है आंचल श्री मुकेश कुमार रठौड़े से,
उसकी भी परसेंटेज जो है 85। पप्पू जी, प्रधान जी आओ इधर। और सेम ही थर्ड पोजीशन पे है रूबी रणवीर, दो बच्चे थर्ड पोजीशन पे हैं अपनी क्लास में, 85.5 ही मार्क्स इस बच्चे ने गए। बहुत अच्छे, शाबाश। और पिछली बार 12th की इसकी बहनी टॉपर थी स्कूल से, अच्छा ये बच्चों का एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, आगे भी आप इसी तरह से बेटा पढ़े। और 12th में मुझे ये 85 की जगह जो 8 है ना, मुझे 9 चाहिए। ओके, फोर्थ नंबर पे है तानिया श्री सत्येंद्र मलिक सिलाना से, इनकी परसेंटेज है 85.16। बहुत अच्छे, आइए बेटा। फिफ्थ नंबर है आकांक्षा शर्मा, आई एम सो हैप्पी बेटा इस काम का। श्री विनीत शर्मा रठोड़े से हैं, ये गुड़िया भी 85% इसके आए हैं। एक सबसे बड़ी बात है, 11 बच्चों में 5 जो है रठोड़े के ही है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत बहुत बधाई। सर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, देखो परसेंटेज तो जो आई है, ये बच्ची बहुत ही अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत सिंसियर है, और इसकी परसेंटेज कोई ना कोई दिक्कत भी होगी, ये सेटिस्फाइड नहीं है इस परसेंटेज से, मैं भी नहीं हूँ, जो बात है मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन होता है, स्कूटनी भरी गई है, जैसे ही अगर कोई इम्प्रूवमेंट इसका होता है तो हम दोबारा इस बच्चे को अवॉर्ड करेंगे। बहुत अच्छा, पिछली बार हमारे यहाँ ताइक्वांडो में भी बच्चा स्टेट लेवल तक जा चुका है, और शूटिंग में भी बच्चा स्टेट लेवल खेल चुका है, नेशनल भी जा चुके हैं, स्टेट लेवल में गेम करने के बाद नेशनल भी चूज हो चुके हैं बच्चे, नेशनल हर साल नेशनल में जाते हैं। बेटा सभी एक बार यहाँ जाओ, चलो जी आप सब यहाँ पर आए इस महामारी के समय में, तो कमेटी की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।